जो नल इनवाइट को डायरेक्टली बोल रहे कि अगेंस्ट है बोल के, हमको लगता है कि कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए लोग नल एंड वॉइड का स्पेलिंग भी मालूम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करने मालूम है कि नहीं, जो डायरेक्ट बोलता है कि नल एंड वॉइड को अगेंस्ट करना है बोल के। यहाँ आना का मतलब ये था, हम लोग अभी गवर्नमेंट को आप जैसे कि पूछा पुशिंग पुलिंग ये सब नहीं कर रहे, हम लोग आज एज पर गवर्नमेंट सीएम कमिटमेंट हम लोग आज यहाँ अपडेट लेने आया। यहाँ हम लोग ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे, काम कर रहे बोल के, हम लोग यहाँ आज अपडेट लेने आया। आज सैटरडे है कल संडे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को जो डेट दिया हम लोग वही डेट में विजिट किया। तो हम लोग का ये था, हम लोग गवर्नमेंट को ये लिखा था कि 22nd तक हम लोग को एक मीटिंग बिता देने से, अपडेट दे देने से ठीक है, काम कहाँ तक हुआ है उसके लिए हम लोग आज विजिट किया। और आज का हम थोड़ा आप लोग को ये माध्यम से बता दे, आप लोग का माध्यम से बता देगा, हम लोग का अभी कुछ कुछ एक मिनिस्टर एमएलए है कुछ कुछ जो नल इनवाइट को डायरेक्टली बोल रहे कि अगेंस्ट है बोल के, हमको लगता है कि कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए लोग नल एंड वॉइड का स्पेलिंग भी मालूम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करने मालूम है कि नहीं, जो डायरेक्ट बोलता है कि नल एंड वॉइड को अगेंस्ट करना है बोल के। उसका जगह वो एमएलए मिनिस्टर की जगह अगर हम लोग एमएलए होता तो हम ये बोलता था नल एंड वॉइड का प्रोसेस चल रहा है एज पर सीएम कमिटमेंट, वो चलते रहेगा, लेकिन जितना डिप्राइव्ड स्टूडेंट एस्पायरेंट है उसको हम लोग जेन्युइन जस्टिस दिलाएगा बोल के, हम लोग उसमें काम करेगा बोल के ये बोलना है हम लोग का मिनिस्टर एमएलए लोग, ना कि डायरेक्ट दो हम लोग का पब्लिक को बीच से बंटवारा करके हम लोग को झगड़ा लगा रहा है। तो ये जो हम लोग का जो एस्पायरिंग अभी जो कमिटी एक निकला है जो नल एंड वॉइड के अगेंस्ट कर रहा है बोला, हम लोग उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बोल से, क्योंकि वो लोग भी अपना बीवी बच्चा को बचाने का चक्कर में, जो अगर जेन्युइन को छोड़ के जो अपना दो नंबर करके आने वाला वो लोग को बचाने का चक्कर में वो लोग अपना फीलिंग्स को रख के बोल रहे हैं कि अगेंस्ट कर रहा है बोल, उसको हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये जो सो कॉल्ड मतलब जो एमएलए मिनिस्टर है जो डायरेक्ट बोलता है नल एंड वॉइड को अगेंस्ट करना है, ये नहीं बोल के वो लोग ये बोलना है कि हम लोग सोल्यूशन लाने के लिए ट्राई करेगा, ये बोलना है तब जाके सारा अरुणाचल का जनता लोग माने शांति बनाए रखेगा। और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग ये आज का डेट खत्म हो रहा आप लोग का, तो 22 तक आप लोग हम लोग को अपडेट दे देने से ठीक है। अभी हम लोग दो ग्रुप है, मान लो चार ग्रुप है, कुछ कुछ यूनियन का नाम हम नहीं ले देगा, गवर्नमेंट को भी नहीं ले देगा, कोई बोल रहे नल एंड वॉइड होना है नहीं होना है, हम लोग क्यों चाहेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट को हम लोग माने इनजस्टिस कराने के लिए, हम लोग चाहता है कि मेरा कहने का मतलब क्या था, थोड़ा पहले जो अभी का एमएलए मिनिस्टर है वो ये बोलना था कि नल एंड वॉइड होगा नहीं होगा वो बात का बात है, कमीशन गठन होगा वो बात का बात है, कमीशन गठन होने का बाद यहाँ से प्रबंध करेगा नल एंड वॉइड होना है कि नहीं होना, लेकिन वो ये कमेंट करना था उससे पहले कि जितना भी 976 से कौन कौन जेन्युइन है कौन कौन जेन्युइन नहीं है उसको कैसे करके फिल्टर करना है, वो चीज़ को डिस्कस करना है मिनिस्टर एमएलए, हम लोग किसी का एगेंस में नहीं है। देखिए हमारा अरुणाचल का जनता यहाँ कन्फ्यूजन होने का जगह नहीं है, हम लोग नल एंड वॉइड होना है बल्कि क्यों बोल रहे हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि नल एंड वॉइड नहीं होना है, सोचने से कहाँ गया वो जो धरना सरना करने वाला लोग, आप लोग आइए अपना अपना बेटा बेटी का एफिडेविट बनाइए, मजिस्ट्रेट का आगे में काउंटर साइन कीजिए कि मेरा नल एंड वॉइड होने के लिए तो अभी समय लग रहा है, तो कमीशन गठन होगा उसके बाद नल एंड वॉइड के लिए बात चलेगा, उससे पहले तो समय है ना। आप लोग अगर नल एंड वॉइड को अगर इधर उधर बोल रहे तो आप लोग अपना अपना बेटा बेटी को जिसको अपना बेटा बेटी को भरोसा है एफिडेविट बनाइए, काउंटर साइन कीजिए, सीबीआई में जमा कीजिए कि हम लोग को अगर गलत मिलता है बोलने से हम लोग को अरेस्ट कीजिए, उसको हम नल एंड वॉइड नहीं बोल रहे ना, उसको आप बोला कि नार्को टेस्ट अगर आप कीजिए उसका नार्को टेस्ट कीजिए, अभी तक तो नल एंड वॉइड तो अभी दूर है, तो कमीशन गठन होगा उसके बाद नल एंड वॉइड वो हम लोग भी पता है। तो जो सो कॉल्ड लोग जो बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड को अगेंस्ट कर रहे बोले, आप लोग आगे निकालिए ना, निकाल के खुद का बेटा बेटी के लिए एफिडेविट बनाइए ना, मेरा बेटा बेटी को आप लोग चेक कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए, अगर गलती मिलता है तो हमको अरेस्ट कीजिए, मेरा नौकरी तरमिंद कीजिए, खुद ब खुद ये जस्टिस मिल जाएगा सभी को, वो मेरा सोच है। ये हम लोग का इसमें किसी को इनजस्टिस कराना है बोल के नहीं है, नल एंड वॉइड को हम लोग तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम लोग का डिप्राइव एक्सपायरी लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नल एंड वॉइड को नहीं छोड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ सोल्यूशन है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हम लोग कभी डिमांड नहीं करेगा सोल्यूशन लाने, लेकिन पहले भी मैं बोला कुछ कुछ मिनिस्टर एमएलए हम बोला कि नल एंड वॉइड का स्पेलिंग भी मालूम नहीं होता शायद, जो लूज तो करता है कि नल एंड वॉइड अगेंस्ट करता है, ये लीडर का काम नहीं होता है। हम लोग का अभी जो कागज है ये जो मेमोरेंडम है ये 22nd का है, हम लोग मीटिंग के लिए हम लोग सिर्फ अपडेट लेने आया है, ये 20 हम लोग को खबर, हम लोग यहाँ का अरुणाचल का नागरिक है तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बोल के, तो हम सोचते हैं कि उस समय तो सीएम साहब लोग बिजी होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिफोर 25 ऑफ दिस मंथ
आप लोग हम लोग को अपडेट दे दीजिए, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को अपडेट दे दीजिए सिर्फ। गवर्नमेंट हम लोग आज 18 वन मंथ होता है उसका हम लोग अपडेट लेने आया है, तो आउटकम कितना हुआ है उसको हम लोग।